हसन, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में पहले गाने से भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज भी कायम है। 15 साल की उम्र में नाम शोहरत हासिल करने वाली नाजिया को पति के धोखे, मारपीट और लाइलाज बीमारी के चलते 35 साल की उम्र में दर्दनाक मौत मिली। पाकिस्तान में नामी घराने में जन्मी नाजिया बचपन से ही बेहतरीन सिंगर थी। यूके में हुई एक पार्टी में जीनत अमान ने इनकी आवाज सुनी और फिरोज खान को सुनाई। फिरोज ने तुरंत उन्हें अपनी नई फिल्म कुर्बानी का गाना ऑफर कर दिया। स्कूल से हाफ डे लेकर स्कूल ड्रेस में ही नाजिया ने गाने की रिकॉर्डिंग की। वो गाना ये था। गाना रिकॉर्ड कर नाजिया पढ़ाई में व्यस्त हो गईं, लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई तो ये रातों रात स्टार बन गईं। एक दिन राज कपूर ने इनके घर कॉल किया और कहा, क्या आप भारत आ सकती हैं? आपको अवार्ड देना है। 1981 में नाजिया को इसी गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वो भी शोमैन राज कपूर के हाथों से। इन्होंने 15 साल की उम्र में अवार्ड हासिल कर रिकॉर्ड बनाया जो आज भी नहीं टूट सका। कम उम्र में ही इनके गाने भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन, रूस में भी सुने जाते थे। ये इतनी खूबसूरत और ग्रेसफुल थी कि बॉलीवुड का हर नामी फिल्म मेकर इन्हें हीरोइन बनाना चाहता था। हालांकि इन्होंने हर बार ऑफर ठुकरा दिया। कई लोग तो इन्हें ब्लैंक चेक तक दिया करते थे। नाजिया ने कैमरा कैमरा एल्बम लॉन्च करते ही कभी न गाने का फैसला किया और गुमसुम रहने लगी। पेरेंट्स ने उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए 30 मार्च 1995 में उनकी शादी कराची के नामी बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से करवाई। हालांकि उनके गुमसुम रहने की वजह लंग कैंसर था। 1997 में नाजिया मां बनी और इसी समय उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उनका पति पहले से ही 2 शादियां कर चुका था, जो बात नाजिया के परिवार से छिपाई गई थी। उनका अफेयर भी था और वो लगातार नाजिया के साथ मारपीट करता था। पति ने उनके कैंसर का इलाज करवाने से भी इनकार कर दिया। नाजिया घर छोड़कर लौट आई और लंदन में उनका इलाज चला। इलाज के दौरान नाजिया ने अपने वकील के सामने स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि उनका पति कई दिनों से उन्हें जहर दे रहा था, जिससे उनके कई ऑर्गन खराब हो चुके हैं। ये स्टेटमेंट देने के 8 दिन बाद ही नाजिया की मौत हो गई।